नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में हल्दी के बारे में जानकारी देंगे। हल्दी से आप वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी में धन धान्य से और सुख समृद्धि से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिख दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपने जीवन को सुखमय बना सकें और जी सकें एक सुखमय जीवन। दोस्तों हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवीय गुण मौजूद हैं। किसी भी विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से बचाया जा सके, साथ ही सेहत और सुंदरता के। दोस्तों जो व्यक्ति प्रतिदिन माता लक्ष्मी को वे भगवान विष्णु को याद करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद सदा ही उसके ऊपर बनाकर रखती हैं। माता लक्ष्मी को प्रतिदिन याद करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि नरक से भी आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है, लाभ भी उन्हें मिले। वास्तव में हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित इन उपायों को करने से जीवन में सफलता मिलती है। पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत तो होता ही है, साथ ही गुरु ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाता है और आपके घर में पैसा आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। आपके घर के चारों ओर मौजूद दीवारों पर हल्दी की रेखाएं बना दी जाए तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती है। नहाते समय अगर नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहा जाए तो शरीर और मानसिक शुद्धता होती है और साथ ही आपके करियर में सफलता के लिए नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। हल्दी की गांठ पर मोली लपेट करके सिरहाने रखा जाए तो बुरे सपने बिल्कुल भी नहीं आते हैं और बाहरी बाधाओं से आपका बचाव होता है। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह और माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, खासकर से आर्थिक दृष्टि से और पैसों को प्राप्त करने की दृष्टि से जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। किसी भी गुरुवार के दिन अर्थात वीरवार के दिन श्री गणेश को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ाई जाए तो आपके विवाह में जो भी समस्याएं हैं वह तो दूर हो ही जाती हैं। साथ ही अगर आपकी जिंदगी में कोई शत्रु है तो वह भी घुटने टेक देता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे आप एक गांठ हल्दी को एक पुड़िया में लपेट करके छुपा कर रख दें और हाथ जोड़कर आपके धन संबंधी और सुख समृद्धि संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी कह दें। आपके देखते ही देखते वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता तो आती है, साथ ही आपके मानसिक नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी हवन आदि करते वक्त हल्दी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य देव को जो आप हर दिन जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेने से आपके घर में अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसका विवाह बहुत ही जल्द मनचाहे वर से हो जाता है। साथ ही कन्या के घर के साथ साथ आपके घर में भी हमेशा संपन्नता बनी रहती है। साथ ही आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को अगर आप हल्दी की गांठ से जाप करते हैं, अर्थात अपने हाथ में हल्दी की गांठ वाली जो माला होती है उसे ले लीजिए और माता लक्ष्मी के मंत्रों का पूरी एक माला अर्थात 108 बार जाप करें तो वह मंत्र बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है और माता लक्ष्मी का विशेष वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप हल्दी से किस प्रकार उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।